हेलो एवरीवन, आज हम लोगों को पढ़ना था एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी तक हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता क्या था, जस्ट लाइक अगर हम लोगों ने देखा था कि जब इस अमाउंट कॉलम को सपोज करो हम सेलेक्ट करते हैं और हम चाहते तो वो फिगर कलर हो जाए या उस पर आइकन लग जाए जो 1000 से अधिक हो, तो उसके लिए याद होगा हम लोग होम टैब पे जाते थे, होम टैब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते थे और यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स कौन ग्रेटर देन लेस देन या बिटवीन इस तरह से हम लोग डाल सकते थे। हम लोगों ने हाईलाइट कलर सेल रूल्स पढ़े, सारे ऑप्शंस टॉप बॉटम भी देख लिया था, डेटा बार्स भी देख लिया था, कलर स्केल भी डाल दिया था, आइकन सेट्स भी डाल दिया था। अब बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, तो उसमें यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे रूल्स के ऊपर जाएंगे, न्यू रूल्स पे, यानी कि हम फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कलर करना सीखेंगे। दूसरा नंबर, हमें क्राइटेरिया कहीं सेट करना है, क्राइटेरिया कोई और देखना है। मान लो जैसे यहाँ पे अमाउंट को देख करके 1000 से ऊपर है, लेकिन हमें हाईलाइट करना हो सपोज करो डिस्क्रिप्शन को या फिर कैटेगरी को, तो ऐसे केस में जब होता है कि हाँ आपको क्या करना है, क्राइटेरिया कहीं और लगानी है और कलर कहीं और करना है, तो ऐसे केस में आपको एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करना पड़ेगा। तो वही हम लोग आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखो क्वेश्चन दे रखा है, टोटल एग्जाम्पल करीबन काफ़ी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना, करीबन 8 एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर आप डेट यहाँ पे कॉलम दे रखा है, फिर यहाँ पे दे रखा है कैटेगरी, डिस्क्रिप्शंस और ये अमाउंट। क्वेश्चन में कह रहा है हाईलाइट द डिस्क्रिप्शन इन रेड फिल, डिस्क्रिप्शन में हमें रेड फिल करना है इफ द अमाउंट इज मोर देन 1000, अगर अमाउंट कितने से अधिक होगा 1000, यानी क्राइटेरिया कहीं और लगाना है और हमें कलर कहीं और करना है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज, जहाँ पे भी आपको फॉर्मेटिंग लगानी है, जहाँ पे भी फॉर्मेटिंग करनी है, आपको उसको पहले उस सेल्स को पहले उस कॉलम को पहले सेलेक्ट करना होगा। तो हमने देखो उस कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लिया जिसपे हमें फॉर्मेट करना है, जिसमें हमें फॉर्मेटिंग लगानी है, कलर करना है। इसके बाद अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे होम पे और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे ध्यान रहे न्यू रूल्स पे हमें जाना है। तो न्यू रूल्स हम लोग बनाएंगे। अब न्यू रूल्स में जाने के बाद यहाँ देखिए होता है क्या, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल इज टू बी फॉर्मेट, किस सेल को फॉर्मेट करना है ये हम लोग को डिटरमाइन करना है, फॉर्मूला मतलब सॉरी फॉर्मूला हमें डिटरमाइन करना है ताकि हम इसको फॉर्मेट कर सकें। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं इफ फंक्शन, तो इक्वल टू इफ, यहीं पे आप इफ चला दीजिए, अगर इफ ब्रैकेट ओपन, अब यही कॉलम में ये अमाउंट की बात होगी ना, तो ये अमाउंट है, ठीक है ना। अब जैसे इस अमाउंट पे मैंने क्लिक किया, आप देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉलर आ गया। देखो नॉर्मली जब हम लोग इफ फंक्शन, याद है हम लोग नॉर्मली सेल के अंदर चलाते थे और इक्वल टू यहाँ जैसे ब्रैकेट ओपन करते थे सिंटेक्स आ जाता था, बट यहाँ देखो सिंटेक्स नहीं आएगा यहाँ पे, तो मैं अपने दिमाग से पता है, लॉजिक टेस्ट होता है, फिर वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स, तो खुद से देना है। तो अब हम लोग देखो जैसे इस पहले सेल को हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ ऑब्सोल्यूट कर दिया। तो ध्यान रखिए हमें जब कॉलम को, सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम को हमें फॉर्मेट करना है, कलर लगाना है, तो ऐसे केस में हमें ऑब्सोल्यूट हटा देना है रो में से भी और कॉलम में से भी, ओके, यानी कि हमें यहाँ से ऑब्सोल्यूट को हटाना है। तो ऑब्सोल्यूट को हटाने के लिए हम लोग F4 दबा देते हैं, तो देखो कॉलम से हट गया रो में रह गया, फिर एक बार और F4 दबा देते हैं, फिर एक बार और F4, ओके, फाइनली देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्सोल्यूट हट गया। नाउ अगर ये क्या होता है, ग्रेटर देन है, कितने से, 1000 से, तो वैल्यू ऑफ ट्रू, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हम कुछ रिजल्ट तो देना नहीं चाहते हैं कि कोई फिगर आया समथिंग कुछ हो, यहाँ पे हमें कलर लगाना है। तो जब हमें कलर लगाना है तो हमें यहाँ पे 1 और 0 यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू हो तो 1, वैल्यू इफ फॉल्स हो तो 0। वैल्यू इफ ट्रू मीन्स 1 का मतलब समझ जाओ यहाँ पे, दैट मीन्स हम जो फॉर्मेटिंग करने वाले हो फॉर्मेट हो जाएगा, 0 का मतलब नहीं होगा, ठीक है ना, अगर वो कंडीशन को कम्प्लीट नहीं करता है। अब याद होगा जब एक्सेल में हम लोग इंटर मारते थे तो हम ब्रैकेट वैकेट नहीं लगाते थे, क्योंकि ब्रैकेट लास्ट में जो क्लोज होता था वो सेल खुद ही कर लेता था, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको पूरा ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ ऑटोमेटिकली कुछ भी काम नहीं होगा। अब यहाँ पे फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट पे जाने के बाद जो कलर लगाना है, तो हमें हाईलाइट करना था डिस्क्रिप्शन इन रेड फिल, तो रेड फिल लगाना, तो फिल में जाइए यहाँ रेड फिल कर लीजिए, ठीक है ना, मैं थोड़ा लाइट रेड फिल करता हूँ, या चलिए कर ही देता हूँ, ओके, ये आ गया आपका कुछ ऐसा प्रीव्यू दिखेगा, देन ओके। जैसे हम ओके करेंगे तो आप देख रहे होंगे जो भी 1000 से ऊपर की फिगर है, तो देखिए हमने क्राइटेरिया इधर हमने सेट किया
लेकिन हम कलर कहाँ लगा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह का जब भी फॉर्मेटिंग करना होगा आपको, तो समझ जाइए वो कौन सी फॉर्मेटिंग होगी, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर, एक और चीज़ समझ लीजिए, फिर से मैं इतना पूरा सिलेक्ट करता हूँ, याद होगा इसी को सिलेक्ट किया गया था। और फिर यहाँ पे अगर सपोज करिए फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। इस बार हम लोग न्यू रूल्स पे नहीं जाएंगे, हमें चेंजेस करना है तो मैनेज रूल्स पे जाएंगे। मैनेज रूल्स में जाएंगे तो यहाँ देखिए आ जाएगा, और यहाँ पे एडिट रूल, यहाँ एडिट रूल में देखिए याद है वहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे 1000 की जगह चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज रूल पे जा करके हम उसे चेंजेस कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा नंबर, यहीं से देखो डिलीट रूल कर सकते हैं, रूल पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। तीसरा नंबर है कि जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही जा करके हम इन रूल्स को क्लियर कर सकते हैं, क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड रूल, पर्टिकुलर किसी सेल से सेलेक्टली हटाना है कि इंटायर शीट से हटाना है, ये चीज़ आप कर सकते हो। यानी वो जो रूल आपने डिसाइड किया है, रूल आपने सेट किया है, वो उस रूल को हटाना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो हम लोग कैसे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, और अगर हमें उसे हटाना है या चेंज करना है तो हम कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ गलती होगी तो आप जाके उसे एडिट करोगे ना, कि बैठ के फिर से आप रूल लगाओगे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल सा है, सेम एग्जाम्पल है, बस इसमें कंडीशन चेंज कर दिया है, हाईलाइट द एंटायर टेबल। अभी तक क्या था कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन कॉलम को करना था, तो हम डिस्क्रिप्शन को सेलेक्ट किए थे। अब कह रहे हैं इंटायर टेबल को कलर कर दो, रेड फिल कर दो, अगर लेस देन 700 है तो। अब इसके लिए तो हमें पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पूरा टेबल सेलेक्ट करते समय ध्यान रहे हमें जो फील्ड है, फील्ड्स को यानी कि हेडिंग को हमें सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डोंट सेलेक्ट द हेडिंग्स, ओके। अब हमें इंटायर, हमने टेबल को सेलेक्ट किया क्योंकि हमें इंटायर टेबल हमें कलर करना है, बात समझे। अब हमने इंटायर टेबल को सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग जाएंगे अगेन होम पे, अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे किसको करेंगे, हाईलाइट, सॉरी न्यू रूल्स पे जाना है हमें। न्यू रूल्स में जाने के बाद यूज ऑफ फॉर्मेट टू डिटरमाइन सेल फॉर्मेट, इस पे जाने के बाद फिर क्या करना है हमें, अब जब ध्यान रखिए यहाँ पे सिंपल सा इफ फंक्शन लगा देते हैं, इफ अगर, इक्वल टू लगाना मत भूलिएगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगेन इसको सेलेक्ट करिएगा। इस बार लेकिन एक पर्टिकुलर कॉलम में नहीं करना है, हमें सारे कॉलम्स यानी कि डेट वाले में भी, डिस्क्रिप्शन वाले में भी, सब में करना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार आपको कॉलम को ऑब्सोल्यूट करना पड़ेगा, रो को ऑब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो रो का जो फॉर्मूला है वो तो चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हम F4 दबाएंगे, ठीक है, देखो कॉलम से हट गया, रो में रह गया, रो से भी हटाओ, सिर्फ कॉलम में रखना आप सही। तो कॉलम को ऑब्सोल्यूट कर दो, रो को ऑब्सोल्यूट मत करना। अब यहाँ पे क्या करना है, लेस देन 700, तो जो भी हम फॉर्मेट करेंगे लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, है ना। तो वैल्यू ऑफ ट्रू एंड फॉल्स के लिए 1 और 0 का आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। अब फॉर्मेट पे जाएंगे, क्या फॉर्मेट का है, वही है, रेड फिल करना ही है, ओके ओके ओके। जितने भी देखिए 700 से नीचे के थे वही सब के सब कलर हुए हैं, ठीक। तो एंटायर टेबल कैसे करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो फर्क क्या था आपने देखा, फर्क बस इतना है कि आपको जब कई पूरे टेबल पे करना होता है तो हमें कॉलम को ऑब्सोल्यूट करना पड़ता है, कॉलम को हमें सिर्फ ऑब्सोल्यूट करना होगा, रो को नहीं। और जब एक पर्टिकुलर कॉलम में करना होता है तो हमें कुछ भी ऑब्सोल्यूट नहीं करना, ना रो ना कॉलम। अब देखिए यहाँ पे थर्ड एग्जांपल इज यहाँ पे और इंटरेस्टिंग है, फोलियो नंबर है, कंट्री, इन्वेस्टमेंट टाइप है, ड्यू अमाउंट एंड ड्यू डेट ऑफ ट्रांसफर है। अब कह रहा है क्वेश्चन दे रखा है, हाईलाइट द फोलियो नंबर, हमें फोलियो नंबर को हाईलाइट करना है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, व्हाइट कलर टेक्स्ट होना चाहिए, इफ इन्वेस्टमेंट टाइप इज डिवेंचर इंटरेस्ट। अब समझिए सिर्फ एक कॉलम को करना है फोलियो नंबर को, तो फोलियो नंबर सेलेक्ट कर लो, फिर होम पे जाओ, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, फिर न्यू रूल लगाओ, और आपको पता है यहाँ पे कौन सा रूल लगाना है, सिंपल से यहाँ पे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ओके। अब देखिए आप बताना है क्या, ये दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट टाइप। अब यहाँ पे आपको पता है एक ही पर्टिकुलर कॉलम को फॉर्मेट करना फोलियो नंबर को, सो यहाँ पे हमें ऑब्सोल्यूट हटाना पड़ेगा। ऑब्सोल्यूट मैंने हटा दिया, क्या होगा अगर इक्वल टू, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग खिंचाते हैं तो इक्वल टू हम लगाते हैं कि C20 में इक्वल टू क्या हो। अब हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं,
डबल इनवर्ट कॉमा में डिवेंचर, ध्यान रहे स्पेलिंग गलत करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ओके डिवेंचर इंटरेस्ट, जैसे सपोज करो हम ठीक है इंटरेस्ट कर रहे हैं, हम टी लगाना भूल गए सपोज करो, इनवर्ट कॉमा यहीं पे क्लोज करते हैं, वन और ज़ीरो। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट लगाते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना था, बैकग्राउंड हमें करना था वाइट कलर फिल करना था और फॉन्ट कलर को ब्लैक करना, सॉरी नहीं वो तो रहता है, फिल करना है ब्लैक कलर और फॉन्ट का कलर वाइट होना चाहिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो इसका वाइट कलर, ओके ओके देखिए ऐसा कुछ प्रीव्यू होगा, लगा क्या नहीं लगा क्योंकि हमने इंटरेस्ट की स्पेलिंग मैंने गड़बड़ की थी, तो वापस फिर से सेलेक्ट करिए और इस बार आपको पता है हमें कहाँ पे जाना जी हाँ फॉर्मेट सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल्स पे, यहाँ हमें एडिट करना है रूल्स को और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट की स्पेलिंग सही करनी है, टी करते ही ओके ओके हो गया। अब बताइए फोलियो नंबर क्यों हो गया, क्योंकि फोलियो नंबर को भी हमने सेलेक्ट किया था, तो ध्यान रहे हमेशा जब भी सिलेक्शन हो तो हेडिंग को छोड़ दीजिए, इस पर्टिकुलर सेल पे से हटाना है हमें, इस पर्टिकुलर सेल पे से हमें क्या करना है फॉर्मूले को हटाना है, तो होम पे जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए क्लियर फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल हटा दो, दैट्स इट हो गया, इसी बहाने हम लोग का दोनों टॉपिक क्लियर, क्लियर रूल भी हमने कर लिया और हमने मैनेज रूल भी यूज कर लिया इसी बहाने। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर फोर क्या है, एग्जाम्पल नंबर फोर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप देखो यहाँ पे डेट कमांड आ जाता है, आपको इफ ऑलरेडी आप चला चुके हो, अब यहाँ पे देखो बिल नंबर दे रखा है, बिल डेट दे रखा है, पार्टी नेम दे रखा है, ड्यू डेट एंड ड्यू अमाउंट, कह रहा है कि क्वेश्चन में कि हाईलाइट द बिल नंबर इन रेड फिल इफ डेट इज ग्रेटर देन 1 अप्रैल 2014, अगर डेट 1 अप्रैल 2014 से ज्यादा है, अधिक मलागे का डेट का है बिल, तो उसे रेड फिल कर दें, और रेड फिल करना किसको है बिल नंबर को, तो हमें सेलेक्ट किसको करना होगा बिल नंबर। अब यहाँ पे अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, न्यू रूल्स पे जाइए, अब यहाँ पे यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन इक्वल टू इफ चलाना है, सबको पता है ना। अब इक्वल टू इफ चलाने के बाद यहाँ पे एक और फॉर्मूला चलाना पड़ेगा, क्या चीज याद होगा डेट वैल्यू फंक्शन, डेट वैल्यू फंक्शन का यूज आएगा, डेट वैल्यू सॉरी डेट वैल्यू से पहले हमें सेल बताना पड़ेगा, हाँ चलिए सही है डेट वैल्यू पहले बताना है, डेट वैल्यू सेल बताना पड़ेगा, अगर ये डेट है ना, डेट वैल्यू इफ ब्रैकेट ओपन डेट वैल्यू ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन अगर वो क्या अधिक है ग्रेटर देन डबल इनवर्ट कॉमा में डेट लिख दीजिए 1/4/2014 है ना, से ज्यादा है ना, अगर लेकिन यहाँ पे पूछेगा क्या चीज ज्यादा हो, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा सेल एड्रेस ये ठीक है ना, ये सेल अगर कितने से अधिक हो 1 अप्रैल 2014 से अधिक हो, अब अगेन यहाँ पे जाहिर सी बात है हमें क्या करना है सिर्फ एक कॉलम को करना है फॉर्मेट, तो यहाँ से हमें एब्सोल्यूट हटाना पड़ेगा, तो फिर से देख लीजिए डेट वैल्यू और ये सेल अगर ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन हो कितने से 1 अप्रैल 2014 के ठीक है, ये हमने डेट वैल्यू का फॉर्मूला क्लोज कर दिया ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, ये मेरी कंडीशन होगी कॉमा, तो क्या हो 1 हो अदरवाइज क्या हो 0, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इफ के साथ तुरंत डेट वैल्यू लगाइए सेल एड्रेस अगर ग्रेटर देन हो 1 अप्रैल 2014 के तो 1 अदरवाइज 0। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दीजिए, रेड फिल करना है तो रेड फिल हो जाएगा और तो कुछ करना नहीं है, ओके लगा फंक्शन नहीं लगा, यानी कि हमारे फॉर्मूले में कहीं कोई दिक्कत है, एक बार फिर से जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल्स एडिट रूल्स, यहाँ पे हमने क्या किया डेट वैल्यू यही गड़बड़ है जिसका हमें लग रहा था यहाँ पे लगा दीजिए,
ये ग्रेटर देन यहाँ पे लगाया है, हाँ सॉरी स्पॉट आइए यहाँ पे, यहाँ पे पहले कर्सर लगाना पड़ेगा, ये दिस वन इज ग्रेटर देन डेट वैल्यू इतने के, है ना। अब सही फंक्शन हुआ, अब लग जाएगा फॉर्मूला। ओके तो पहले सेल एड्रेस सेलेक्ट करना था, देन डेट वैल्यूज, क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग फॉर्मूला क्या लगा, ठीक है ना। इफ फिर सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन डेट वैल्यू दिस वन देन वन अदरवाइज जीरो। ओके अब इसी तरीके से फंक्शन हमें और लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे भी इसी तरह के फंक्शन है, सेम टेबल है। यहाँ पे भी देखो बिल डेट दे रखा है, इस बार कह रहे हैं हाईलाइट द पार्टी नेम, इस बार पार्टी नेम को हाईलाइट करना है, ब्लैक बैकग्राउंड एंड वाइट कलर टेक्स्ट। इफ डेट इज लेस देन 16/2014, यहाँ पे भी डेट वैल्यू फंक्शन लगाना है, क्लियर हो गया। पहले तो हमें किसको हमें कलर करना है, पार्टी नेम, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन करते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इफ इक्वल टू इफ अगेन, यहाँ पे क्या करना है हमें बिल डेट ऑब्सोल्यूट हटाना है, इज ग्रेटर देन लेस देन सॉरी लेस देन डेट वैल्यू डबल इनवर्ट कॉमा 1st June 2014, ठीक है। सॉरी कलर हो अदरवाइज नाउ, क्या फॉर्मेटिंग करनी है, हमारा जो फिल होना चाहिए वो ब्लैक कलर होना चाहिए, फॉन्ट कलर हमारा वाइट होना चाहिए, सही है फॉर्मेट। ओके तो जितने भी देखो डेट है ना 1 जून 2014 से पहले वाले सारे के सारे देखो हाईलाइट हो, ठीक। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और करते हैं, और शायद इस तरह का आप लोगों ने एक फंक्शन में पढ़ा भी था, इस बार कह रहा है हाईलाइट करना है इंटायर टेबल येलो कलर बैकग्राउंड में रेड कलर टेक्स्ट में, इफ द डेट इज बिटवीन 1st February 2014 टू 31st May 2014, और बिटवीन की बात कर रही है। ओके अब आपको पता है जब दो चीजें होती है तो यहाँ पे एंड लगता है, क्या लगता है एंड, तो यहाँ पे इंटायर टेबल कह रहा है, तो इंटायर टेबल पहले सेलेक्ट करेंगे हम लोग हेडिंग को छोड़ करके। अब यहाँ पे अगेन जाएंगे, ओके नॉर्मली हम लोग एक फंक्शन चलाते हैं, इस बार हमें बोला है ये और ये हो और वही कलर हो जाए, तो इस बार यस या नो वाली बताने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बस इतना बताना है कि इन दोनों के बीच में, तो सीधे आप एंड फंक्शन लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है इफ लगाने की। इफ लगाएंगे तो वन और जीरो लिखना पड़ेगा, एंड में आपको वन और जीरो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सीधे एंड लगाते हैं। कौन सा सेल, बिल डेट है ना, अगर वो सारे कॉलम को करने तो इसलिए हमारा कॉलम ऑब्सोल्यूट होगा, और रो क्या रहेगा, रो को ऑब्सोल्यूट मत करिएगा, रो को रिलेटिव ही रहने दीजिएगा। तो ये देखिए कॉलम मेरा क्या हो गया, ऑब्सोल्यूट हो गया, के ये क्या क्या डॉलर है, इज पहले ग्रेटर देन लगा देते हैं, डेट अधिक हो कितने के, डेट वैल्यू फंक्शन ब्रैकेट ओपन डबल इनवर्टेड कॉमा 1st February 2014, ओके अब इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा पहला हो गया कंडीशन। दूसरा फिर कॉमा दे करके एक और कंडीशन चलाएंगे, यही डेट वैल्यू अगेन कॉलम ऑफ सॉल्यूट कर दिया मैंने, इज लेस देन, इधर लेस देन का लगाना है हमें डेट वैल्यू डबल इनवर्टेड कॉमा
31 मई 2014। ओके ब्रेक क्लोज, अब एक और ब्रेकेट क्लोज करना होगा, ये तो डेट वैल्यू का क्लोज हुआ। अब इसके बाद इफ जो एंड चलाए थे यहाँ पे ओपन किया था, उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब फॉर्मेट लगाना है तो टेबल में फिल कलर क्या होना चाहिए, येलो कलर टेबल में फिल कलर होना चाहिए। ओके, और फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ओके, सो कुछ ऐसा रहेगा। ओके, तो जो भी डेट था बिटवीन, ठीक ना, फरवरी और मई के बीच का, वही सारे के सारे कलर कोड। तो इस तरह से डेट वैल्यू फंक्शन का आप लोग यूज करेंगे। अभी देखिए सातवें पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफरेंट टेबल है, डेट है, कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, अमाउंट है, हाईलाइट द एंटायर टेबल, अगेन एंटायर टेबल कह रहा है इन येलो कलर, है ना। इफ द अमाउंट इज बिटवीन 500 to 1000, इस बार देखो डेट नहीं है, सिंपल नंबर है, विद ग्रीन फिल, है ना, ग्रीन फिल होना चाहिए, येलो कलर से फॉन्ट होने चाहिए, हाईलाइट द एंटायर टेबल इन येलो कलर ए फॉन्ट, हाँ ठीक है, विद ग्रीन फिल बाई यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, एंटायर टेबल सिलेक्ट करेंगे। न्यू रूल्स, यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे एंड लगा देते हैं, बिटवीन का है ना, बिटवीन लगे सीधे एंड लगा दीजिए। अब कह रहे हैं यहाँ पे सेल कौन सा होना है, यहाँ पे कंडीशन किस पे लगानी है, अमाउंट, अमाउंट को सिलेक्ट करिए, आपको पता है क्या करना है, कॉलम पे ऑब्सोल्यूट बस रहेगा, ठीक है ना, इस ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कितने के हो, 500, ठीक है, कॉमा एक और लगा दो, यही कल यही सेल अगर क्या हो, लेस देन हो, अब लेस देन का फंक्शन लगा, लेस देन हो कितने के, 1000 के, बस, तो यही यही डेटा बस फॉर्मेट होगा इसके बीच में, ठीक है। तो कलर कौन सा रखना है हमें, येलो, थोड़ा सा और डार्क कर देते ना, अब सही, और फिल कलर क्या करना है, ग्रीन, ग्रीन में कौन सा ग्रीन रखा जाए, और थोड़ा डार्क ग्रीन रखें, चलो ये ग्रीन रखें तो अच्छा लगेगा, नहीं पता चल रहा, डार्क ग्रीन रखना पड़ेगा, अब सही है, ओके, क्लियर हो गया। तो जो 500 से अबव है और 1000 के नीचे है वही से वो, अगर हमको चाहिए कि 1000 वाला भी कलर हो तो हम लेस देन इक्वल टू लगा देते फंक्शन में, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान दीजिए, बाकी आपको लेस देन इक्वल टू सब पता है आपको, तो वो जो भी कंडीशन है आप लगा दीजिए। अब यहाँ पे लास्ट में अगर अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन बिल नंबर विच फॉल्स ड्यू, है ना, सिर्फ देखो बिल नंबर पे फॉर्मेटिंग करनी है, which falls due between within 70 to 100 days, जो 70 से 100 दिन के बीच वाले बिल हैं उन्हीं को हाईलाइट करना है, बिल नंबर को, will appear in bold red in color, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए, पता है जिसको फॉर्मेट करना, तो उसको हमें सेलेक्ट करना होता है, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, ओके, यहाँ पे फंक्शन लगा देंगे इक्वल टू इफ, इफ की जरूरत ही नहीं है, छोड़ी एंड सीधे लगा देते ना, क्या एंड लगाना, ये जो ड्यू डेट है तो इस बार तो सब पे से हटाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट क्या हो, ग्रेटर देन हो कितने के, 70, कॉमा अगेन उसको सेलेक्ट करिए, एब्सोल्यूट हटा लीजिए, लेस देन हो कितने के, 100, ठीक है। तो ऐसे में फॉर्मेट करिए, फॉर्मेटिंग क्या रखनी है भाई, देख लेते हैं, ओके, बिल नंबर विल अपीयर बोल्ड इन रेड कलर, ठीक है, तो बोल्ड करना है, ऊपर से रेड कलर करना है, रेड कलर हो गया, ऊपर से बोल्ड करना हो गया। एक खास बात मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था, तो इसने अपने से कर लिया, तो चलिए नहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी ब्रैकेट क्लोज अपने से कर लेता है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से प्रूफ रखिए,
अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए, समझ रहे हैं आप, कर दिया कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 70 वाला नहीं हुआ, एक इंटरेस्टिंग चीज, 70 वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 70 लिखा था, ठीक है ना। अगर हम चाहते नहीं 70 को भी करना है, हालांकि विद इन लिखा है, अगर आपको 70 को भी करना होता तो क्या करना होता। अब बस यहाँ पे जाते मैनेज रूल्स के अंदर, एडिट रूल्स के अंदर, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं कि अगर बड़ा हो या बराबर हो, है ना। ठीक है, तो अपने फॉर्मूले को ठीक ठाक कर सकते हैं आपके ऊपर। तो ये है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब आप इतना समझ गए होंगे, जब हम लोग लॉजिकल फंक्शन के साथ, यानी कि इफ एंड और नॉट, इन सब के साथ भी अगर हम लोग को फॉर्मेटिंग करना है तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। और नाम ही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो कंडीशन तो लगाना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांस है ये इफ फॉर्मूले के जरिए। मेरे ख्याल से आप लोग को आज एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आया होगा, कैसे लगाते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं अगर फॉर्मूले गलत हो जाएंगे तो, ठीक है। और अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।